अब पूरी तरह से एंडोस्पर्म डेवलप हो गया, अब वो नरिशमेंट देगा जाइगोट को और क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो। तो इसको भी मैं डायग्रामेटिकली बता रही हूँ आपको, ये आपके एनसीईआरटी बुक में ही है इसका डायग्राम। पहले एक बार डायग्राम समझ लें आप यहाँ से। तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है, चाहे वो डाइकोट प्लांट हो चाहे वो मोनोकोट प्लांट हो, दोनों प्लांट में इनिशियल स्टेजेस जो होती है एम्ब्रियो डेवलपमेंट की वो सेम होती है। इनिशियल यानी कि यहाँ तक, ये जो यहाँ तक डायग्राम आपको दिख रहा है 1 2 3 4, ये जो है ये चार डायग्राम मोनोकोट एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो चाहे डाइकोट एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो उसमें सेम रहती है। उसके बाद ये जो पॉइंट बनाया यहाँ पे, ये अलग होता है मोनोकोट डाइकोट के अंदर। तो ये स्टार्टिंग स्टेजेस जो होती है एम्ब्रियो डेवलपमेंट की ये सेम होते हैं। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, ये वही एम्ब्रियो सैक है, ये थोड़ा उल्टा बना रखा है माइक्रोपाइलर एंड ऊपर है जाइगोट। आप देख रहे हैं ये मैंने पीछे बनाया था आपको डायग्राम दिखाया था, हम जितने भी हमने पीछे डायग्रामेटिकली टॉपिक किए हैं उसमें मैंने नीचे ही बनाया है तो ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। तो माइक्रोपाइलर एंड यहाँ है क्योंकि पोलन ट्यूब यहीं से एंटर की थी ना, तो ये जाइगोट बन गया है, ठीक है। यहाँ एंडोस्पर्म बन चुका है पीछे, अब एंडोस्पर्म जाइगोट को नरिशमेंट देगा, अब एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो ये वाला रीज़न अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा, ठीक है, ये जाइगोट धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा और सेकेंड स्टेप आ जाएगा इसमें। ये देखो ये बाहर अलग से दिखा दिया, ये जाइगोट बन गया। अब जाइगोट के अंदर डिवीज़न होती है, ठीक है, डिवीज़न होनी शुरू होगी, ये एक से दो सेल बन गया, ठीक है। इसमें जो ऊपर वाली सेल होती है, जैसे इसमें माइक्रोपाइलर रीजन ऊपर दिखाया है, तो जो माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ सेल होती है उसको बेसल या सस्पेंसर सेल बोलते हैं, राइट डाउन कर लेना आप ये अपनी बुक में, ऊपर वाली सेल को बेसल या फिर सस्पेंसर सेल बोल सकते हैं। जो नीचे चैलिजल एंड की तरफ होती है, ध्यान रखना ये एंटीपोडल सेल है, ये चैलिजल एंड है, वो आपकी मर्जी है, आप इस डायग्राम को जैसे मैंने बनाया उल्टा करके भी बना सकते हैं। तो यहाँ जो नीचे सेल बनी है इसको हम बोल सकते हैं एपिकल और टर्मिनल सेल, ठीक है। अब इनमें डिवीज़न स्टार्ट होगी, तो अब इसकी डिवीज़न जब हो रही है इन सेल्स की, तो इसकी डिस्क्रिप्शन मैं आपको बता रही हूँ। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकोट, इसको मैंने थोड़ा फ्लो चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश की है, आई होप आपको भी समझ में आ जाएगा सही से। तो जो जाइगोट बनता है डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान, वो थोड़ी टाइम के लिए इनएक्टिव हो जाता है, इसको हम ओस्पोर भी बोलते हैं। जैसे ही एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन हो जाती है, ये जाइगोट के अंदर डिवीज़न स्टार्ट हो जाती है और जाइगोट टू सेल स्टेज में आ जाता है। यहाँ पर जैसे हम डायग्राम देखें, इस डायग्राम में ये जाइगोट टू सेल स्टेज का बन चुका है। ये टू सेल स्टेज में जो ऊपर वाली सेल होती है, डेट इज़ द बेसल सेल और सस्पेंसर, जो ये नीचे है इट इज़ द एपिकल और टर्मिनल सेल। अब क्या होगा, जो ये एपिकल सेल है, ये एपिकल सेल जो नीचे वाली सेल थी वो डेवलप होना शुरू करेगी, प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हॉट शेप एम्ब्रियो, देन मैच्योर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, ये नीचे वाली जो सेल है, ये नीचे वाली सेल, ये नीचे ग्लोबुलर शेप सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, देन हार्ट शेप में, देन मैच्योर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जो ये ऊपर वाला पार्ट है, ये कौन बना रहा है, ये ऊपर वाली सेल जिसको हम सस्पेंसर सेल बोल रहे हैं, ये है हमारी बेसल सेल और सस्पेंसर सेल, ये डिवाइड करेगी और 6 to 10 सेल लॉन्ग फिलामेंट बना देगी जिसको हम सस्पेंसर बोलते हैं। ये है 6 to 10 लॉन्ग सेल, लॉन्ग फिलामेंट, डेट इज सस्पेंसर। सस्पेंसर, ये फिलामेंट बनाने का क्या रोल है यहाँ पर, इस सस्पेंसर का क्या रोल है, ये क्या करेगा, इस एम्ब्रियो को पुश करेगा टूवर्ड्स द एंडोस्पर्म ताकि इस एम्ब्रियो को नरिशमेंट मिल सके। इसके बाद सस्पेंसर की एक सेल स्वेलअप हो जाती है जिसको हम होस्टोरियल सेल बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा ये मैच्योर एम्ब्रियो बनकर के तैयार हो जाता है, ये हमारी डाइकोट सीड की डेवलपमेंट थी, ओके। जैसे इसमें भी बता रखा है मैंने बिल्कुल सेम ऐसे ही, सस्पेंसर हेल्प करता है टू पुश द एम्ब्रियो टूवर्ड्स द एंडोस्पर्म फॉर न्यूट्रिशन। इसमें से सस्पेंसर की एक सेल माइक्रोपाइलर सेल स्वेलअप हो जाती है जो क्या बनाती है, होस्टोरियल सेल। ये होस्टोरियल सेल, इस स्वेलिंग पार्ट को बोला गया है, ओके। ये हमारे डाइकोट सीड का डायग्राम है। अब डाइकोट के बाद हमारे पास मोनोकोट का बता दिया था मैंने आपको, ये ग्रास एम्ब्रियो आपको करना है, ये मोनोकोट का। इसमें बताया गया था स्कुटेलम को, हम कोटिलिडोन को ही स्कुटेलम बोला गया है यहाँ पे, और वही कॉलिप्टाइल जिसने प्लूम्यूल को कवर किया हुआ, यहीं पर प्लूम्यूल है, नीचे रेडिकल, रेडिकल के बाहर कॉलियोराइजा, और अगर आप यहाँ देखेंगे ये एक एपिब्लास्टिक पार्ट यहाँ दिखाई दे रहा है, ये अनडेवलप्ड कोटिलिडन है जिसको हम एपिब्लास्ट बोल रहे हैं।
ठीक है, ये मोनोकोट की डेवलपमेंट है। देन इसके बाद सीड कैसे बना है, जब ओव्यूल के अंदर सारी प्रोसेस जो हमने पढ़ी है अभी, डबल फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो डेवलपमेंट देखी है वो सारी, तो ओव्यूल सारा कन्वर्ट हो गया अभी सीड में। ठीक है, ओव्यूल के बाहर जो इंटीग्यूमेंट होते हैं, जब आप डायग्राम देखेंगे ओव्यूल का, आउटर और इनर इंटीग्यूमेंट होते हैं, तो ये इंटीग्यूमेंट क्या बनाते हैं, सीड की कवरिंग बनाते हैं। आउटर इंटीग्यूमेंट बनाता है आउटर सीड कोट, जिसको टेस्टा बोलते हैं। इनर इंटीग्यूमेंट बनाता है टैगमेन, जिसको इनर सीड कोट बोलते हैं। ठीक है, और बाकी ओव्यूल के जो पार्ट है ये एज इट इज रहेंगे। हाइलम सीड का हाइलम बनाएगा, फ्यूनिकल जो था वो स्टॉक ऑफ सीड बनाएगा, माइक्रोपाइलर ऑफ ओव्यूल माइक्रोपाइल ऑफ सीड बनाएगा, चलेजा ऑफ ओव्यूल चलेजा ऑफ सीड बनाएगा। इसके बाद ओव्यूल के बाहर होता है हमारे पास ओवरी, ओवरी कन्वर्ट होती है फ्रूट में। ठीक है, और ओवरी की जो वॉल होती है वो कन्वर्ट होती है फ्रूट वॉल में, जिसको हम पेरिकार्प भी बोलते हैं। अब यहाँ बात आ रही है फ्रूट की, तो फ्रूट हमारे पास तीन तरह के होते हैं, फॉल्स, ट्रू एंड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। इनके बारे में आपको पता है, आप ये एक बारी पढ़ लेना।